हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ESIC नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। तो इसके सबके बहुत सारे डाउट्स होते हैं और सब इस वैकेंसी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये वैकेंसी जो ESIC नर्सिंग ऑफिसर की है, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं कि क्या इसमें क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे इसको फिल करना है, क्या इसका ऑल ओवर जो है वो प्रोसीजर रहेगा। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पे आपको वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन, अदर आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करके वीडियोज़ एंड सिलेबस से रिलेटेड, नर्सिंग सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। यहाँ पे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट आप देख सकते हो, ESIC ये डिपार्टमेंट है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, पोस्ट नेम है ESIC नर्सिंग सीनियर नर्सिंग ऑफिसर एंड असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। ये वैकेंसीज आपकी फिल की जाएंगी। तो आप नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हो, 2959 ये नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसीज हैं एंड अदर वैकेंसी अलग अलग आपके नंबर्स की होंगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, BSc नर्सिंग या और GNM आपकी बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी। एप्लीकेशन फॉर्म आपका अवेलेबल हो जाएगा मार्च 2022 में। तो मार्च आने वाला है, आप देख सकते हो आज आपकी डेट हो गई है 14 फेब, एंड मार्च के सेकेंड वीक तक ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएगा। तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको इसकी सूचना बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिस मिले और आप इसको भरने में चूक ना करें। नेशनैलिटी आप देख सकते हो, ओनली इंडियन कैंडिडेट कैन अप्लाई, ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई इसको कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट भी लास्ट होगी मार्च की या अप्रैल होगी इसकी क्लोजिंग डेट, लास्ट वीक ऑफ मार्च। एप्लीकेशन मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। तो नर्सिंग ऑफिसर जो वैकेंसी डिटेल है वो क्या क्या है, कौन कौन सी वैकेंसीज आपकी हैं। तो नर्सिंग ऑफिसर की आप देख सकते हो, 2559 पोस्ट हैं सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की, 1272 पोस्ट हैं असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, 279 पोस्ट हैं। तो टोटल इसकी जो पोस्टें होंगी वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ भी हो सकती हैं, लेकिन इसकी आपको मैं बता दूँ कि 4000 या 5000 से प्लस ही इसकी वैकेंसीज होंगी। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ये आप ESIC का फॉर्म फिल करें। नेक्स्ट हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है। BSc नर्सिंग पास विद 50% मार्क्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, BSc पास होने चाहिए, GNM होने चाहिए या पोस्ट बेसिक वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एज लिमिट की बात कर लें तो एज लिमिट में आपकी है 27 to 47, और जो भी आपकी एज रिलैक्सेशन होगी वो अकॉर्डिंग टू आपकी जो कैटेगरी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। सैलरी एंड पे स्केल की बात करें तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सैलरीज की नर्सिंग ऑफिसर की 7th पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग मिलेगी, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो है लेवल 10 के अकॉर्डिंग एंड सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की लेवल 8 के अकॉर्डिंग। जो ESIC नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी है उस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसमें आपको पूरी सैलरी के बारे में डिटेल मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके वो वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे आपको सैलरी की फुल डिटेल मिल जाएगी ESIC। और जो आपका नोरसेट नर्सिंग एम्स में जो नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी होती है वो दोनों की आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ पर आप विजिट करके देख सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सबका डाउट ये होता है कि नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, क्या सिलेबस आएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो सिलेबस है आपका वो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड से आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें क्या क्या कैटेगरीज आती हैं, लेकिन ये सब में कितना आपको आएगा ये तो जो एग्ज़ाम डालेगा उस पर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देख लो आप, जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट आपको इसके बाद जनरल इंग्लिश आएगी। नेक्स्ट बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स, बेसिक जो कंप्यूटर की नॉलेज होगी वो आ सकती है। नर्सिंग सब्जेक्ट, नर्सिंग के जो भी सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड आपको
क्वेश्चंस आएंगे, 75% यही क्वेश्चंस आते हैं नर्सिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये तो आपके कंपलसरी ही होते हैं। तो अप्लाई मोड आपने कैसे अप्लाई करना है, आपने ESIC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपने रिक्रूटमेंट पे ओपन करना है, और उसके बाद जो एप्लीकेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा वहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन होगा, वहाँ से आपने अप्लाई इसको कर देना है। जब इसकी रिक्रूटमेंट ऑफिशियल रिक्रूटमेंट आ जाएगी और एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा तो मैं आपको वो फिल करना बता दूँगी कि कैसे इसको फिल करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी आपकी कितनी रहेगी। तो SC ST OBC एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 250 की एप्लीकेशन फ़ी रहेगी एंड 500 रहेगी जनरल कैटेगरी के लिए या अदर कैटेगरी के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहेगा, एप्लीकेंट कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस विल बेस्ड ऑन रिटन एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग ही आपको इसमें सिलेक्शन मिलेगी। इसलिए आपको सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर करना है, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है। तो हमारे चैनल पे हम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं जहाँ पे आपको MCQs मिल जाते हैं, वहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प होगी, तो आप वहाँ पे विजिट करके देख सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चन इसके होंगे। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस्ड हुई थी 7 दिसंबर 2020 को, और स्टार्ट डेट ऑफ अप्लाई कब कर सकते हैं आप, 2nd week of March 2022। क्लोज डेट का कब होगी आपकी, क्लोज डेट भी मार्च में ही होगी या अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसकी क्लोज डेट आ जाएगी। तो ये आपकी बहुत अच्छी वैकेंसी है नर्सिंग ऑफिसर की, जो कि हमारे नेक्स्ट मंथ में निकलने वाली है। एप्लीकेशन फ़ी सबमिट द लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करने की मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। एडमिट कार्ड कब अनाउंस होगा आपका, मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। एंड रिटन एग्ज़ाम आपका अप्रैल में होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी अनाउंस्ड हो जाएगी मई या जून 2022 में। तो फ्रेंड्स, ये आपकी वीडियो थी ESIC नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। तो यहाँ पे आपको हर एक नॉलेज मिल जाएगी, हर एक वैकेंसी की डिटेल्स मिल जाएगी। जब भी वैकेंसीज आती हैं तो हमारे चैनल पे अपलोड कर दी जाती हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको हर वैकेंसी की अपडेट मिलती रहे, और आपको जो MCQs हैं वो सेशन भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले इसकी नोटिस दिया जाएगा जब ये आपकी वैकेंसी आ जाएगी, और एप्लीकेशन कैसे फॉर्म फिल करना है ये भी आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।